नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 नवम्बर 2021 के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं यशु में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यशु में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। यशु में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, दिन सोमवार के दिन रहेगा, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी और पूर्व फाल्गुनी नाम का इस दिन नक्षत्र रहेगा। दोस्तों, दिन योग की बात करें तो दोस्तों इस दिन इंद्र नाम का शुभ योग रात्रि के 9:04 रहेगा, उसके उपरांत ही वैधृति नामक शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, इसके उपरांत जिस दिन राहुकाल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप राहुकाल के समय में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा सुबह के 7:59 से लेकर सुबह के 9:23 तक। और दोस्तों, चंद्रमा इस दिन सिंह राशि के उपरांत कन्या राशि में संचार करेंगे। दोस्तों, क्यों कहते हो कि कुछ बेहतर नहीं होता, सच तो ये है कि जैसा चाहो वैसा नहीं होता। कोई तुम्हारा साथ न दे तो गम ना करो, खुद से बड़ा दुनिया में कोई हमसफर नहीं होता। दोस्तों, जो भी कुछ मैंने खोया वो मेरी नादानी है और जो भी कुछ मैंने पाया वह रब की मेहरबानी है। अगर आप सोचते हो कि आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो, अगर आप सोचते हो कि आप नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों आप नहीं कर सकते हैं, और दोनों ही तरीके से आप सही हैं। कैसे धरती का एक छोटा सा टुकड़ा जब हम मरते हैं तब हमें पकड़े रहता है, लेकिन जब हम जीते हैं तब वह टुकड़ा हमें कभी दिखाई नहीं देता। महान सफलता हासिल करने वाले कभी भी फालतू की बातें में समय व्यर्थ नहीं करते, वे रचनात्मक तरीके से सोचते हैं और वे जानते हैं कि उनके सोचने के स्तर ही उनकी सफलता निर्धारित करेगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि सब कुछ अच्छा होगा तो जरूर अच्छा होगा। दोस्तों, सुंदर विचार जिनके साथ है वो कभी एकांत में नहीं है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, इसमें अचानक ही किसी व्यक्ति से मुलाकात आपको एक नई दिशा प्रदान करेगी और आप अपने कार्य संबंधी योजनाओं को बेहतरीन तरीके से इसमें बना पाएंगे। दोस्तों, धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में भी आपका समय इसमें व्यतीत होगा और आप अधिक आत्मिक सुखों का भी इसमें आनंद लेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यशमी अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, संतान को करियर संबंधी कुछ तनाव रह सकता है, यशमी उनका आत्मबल बनाए रखने के लिए आपको सहयोग की आवश्यकता होगी। साथ ही दोस्तों, ससुराल पक्ष से संबंधों में खटास न आने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यशमी आपके लिए समय होंगे, फिलहाल आप केवल अपने ही बारे में सोचने की वजह से दूसरों के विचारों को समझ पाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। जितनी परिस्थिति आप पर नकारात्मक तरीके से देख रही है उतना ही प्रयत्न परिस्थिति को सकारात्मक बनाने के लिए किया जाए तो दोस्तों यश में फर्क जरूर महसूस होगा। आपको खुद के अंदर जो है इमोशनल मैच्योरिटी लाने की आवश्यकता हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों दिनचर्या काफ़ी व्यस्त रहेगी, परंतु व्यस्तता के बावजूद भी आपको अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ संपर्क बनाकर रखें, यह संपर्क आपके लिए बहुत ही सुकूनदायक रहेंगे। दोस्तों, किसी मित्र से यश में खूबसूरत उपहार भी आपको मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में बिना किसी मतलब के दूसरों की परेशानियों में ना उलझें, इसे दोस्तों आपका ही नुकसान होगा। कोई अप्रिय घटना घटने से अस्वाद और भय जैसी स्थिति मन में आपके मस्तिष्क पर हावी हो सकती है। दोस्तों, यश में आपको अपने आप को सकारात्मक बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों भावनात्मक और मानसिक रूप से संतुलन बनाने की कोशिश आपके लिए सफल होंगे। और दोस्तों, किसी व्यक्ति के साथ हुई मुलाकात आपको आनंद देगी, अचानक से कोई सकारात्मक बात पता चलने की वजह से परिवार में भी खुशहाली भरा वातावरण रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधी बातों में यश में प्रगति नजर आएंगी।
जिनसे दोस्तों आपका मन भी यशोमय प्रसन्न रहेगा। दोस्तों कुछ दिनों से चली आ रही व्यस्तम दिनचर्या से भी सुकून पाने के लिए यशोमय अध्यात्म और धार्मिक स्थल पर समय को व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से सुकून पाएंगे। दोस्तों कोई पुराना दिया हुआ उधार पैसा भी यशोमय आपको वापस मिल सकता है, जिससे दोस्तों आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक मजबूत होगी। साथ ही दोस्तों यशोमय राजनीतिक लोगों तथा इससे जुड़ी गतिविधियों से दूरी बनाकर रखें, ये आपके लिए आपकी मानहानि होने से बचाएंगे। दोस्तों भाइयों के साथ भी संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई की तरफ जो है अधिक ध्यान देने की यशोमय जरूरत होगी। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए समय होंगे, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो दोस्तों आपको मानसिक स्थिरता और समाधान प्राप्त होगा। दोस्तों यशोमय अधिकतर परिस्थिति आपके पक्ष में होने की वजह से काम को आप अपने मन के हिसाब से कर पाएंगे। दोस्तों आसपास के लोगों पर आपके व्यक्तित्व का प्रभाव बना रहेगा। परिवार की किसी भी व्यक्ति को आपके द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण काम में जो है मदद प्राप्त हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी और अधिक आपकी रुचि रहेगी। दोस्तों साथ ही पारिवारिक और व्यावसायिक गतिविधियों में भी संतुलन बनाकर रखना घर में खुशनुमा माहौल व्याप्त करेगा। युवा वर्ग करियर संबंधी संभावनाओं का बेहतर तरीके से चुनाव करने में भी यशोमय सफल रहेंगे। परंतु दोस्तों यशोमय ध्यान रखें कि किसी नुकसान या फिर साजिश का शिकार आप हो सकते हैं। बेहतर होगा कि दोस्तों किसी भी अजनबी व्यक्ति से व्यवहार करते समय सावधानी बरतें। दोस्तों यशोमय रिस्क की प्रवृत्ति जैसे जुआ सट्टा आदि से आप दूर रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए समय होंगे, काम से जुड़ी बातों में फायदे संबंधी किसी जो है तकलीफ का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों उस तकलीफ को दूर करने के लिए मित्र परिवार द्वारा आपको मदद भी प्राप्त होगी। दोस्तों आर्थिक व्यवहार में मित्र द्वारा फंसाया जाना आपके लिए सदमा हो सकता है, व्यक्ति की योग्य परख करना आपको यशोमय सीखना होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यशोमय कामकाज में कोई खास सफलता तो नहीं मिलेगी, परंतु दोस्तों फिर भी वर्तमान कार्य जो है सुचारू रूप से चलते रहेंगे। किसी कर्मचारी के साथ चल रहे तनाव को भी यशोमय किसी की मदद से हल हो सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति को भी अपने कार्य क्षेत्र में कोई दिक्कत आ सकती है, अधिकारियों की आप यशोमय मदद जरूर लें, इनसे आप अपने दिक्कत को हल कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों यशोमय साझेदारी से जुड़े कारोबार में अधिक सावधानी रखने की जरूरत होगी। जरा सी असावधानी की वजह से जो है संबंधों में खटास आ सकती है। प्रेम संबंध यशोमय काफी हद तक सफल रहेंगे, प्रॉपर्टी संबंधित काम यशोमय सफल रहेंगे, ऑफिस का माहौल भी यशोमय खुशनुमा रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों मशीनरी आदि से जुड़े बिजनेस में नुकसान होने की आशंका भी बन रही है। दोस्तों यशोमय अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। दोस्तों किसी प्रकार की व्यवसाय की यात्रा यशोमय फायदेमंद साबित होगी। ऑफिस में अपने बॉस और अधिकारियों के साथ संबंधों में खटास न आने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके कार्य क्षेत्र के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे दोस्तों एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट संबंधी बिजनेस में बेहतरीन लाभ होने की संभावना बन रही है। नए जनसंपर्क आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस पर दोबारा से गंभीरता से विचार विमर्श जरूर करें, ये आपके व्यवसाय के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों काम संबंधी बातों में पैसे की वजह से कुछ रुकावटें भी आ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों पुराने मित्र से हुआ परिचय एक नई रिलेशनशिप की शुरुआत हो कर सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, दोस्तों पति पत्नी के बीच संबंध यशोमय मधुर रहेंगे। अविवाहित लोगों के लिए कोई विवाह संबंधी उत्तम प्रस्ताव भी यशोमय आपको मिल सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, दोस्तों जीवन साथी की सलाह व फिर सहयोग आपके मनोबल व फिर कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में अपना समय यशोमय नष्ट ना करें, ये आपके लव लाइफ के लिए यशोमय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों विवाहित जीवन यशोमय सुखद रहेगा। जीवन साथी और बच्चों के साथ समय को व्यतीत करने से तनाव को यशोमय आप दूर कर पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे दोस्तों विवाहित जीवन यशोमय सुखद रहेगा, लेकिन विवाहतर संबंधों से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि दोस्तों इनका नकारात्मक प्रभाव आपके घर की सुख शांति पर भी पड़ सकती है, जिससे दोस्तों आपके घर की सुख शांति यशोमय नष्ट भी हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों यशोमय गिरने या फिर चोट लगने की आशंका लग रही है, सावधान रहें। दोस्तों शारीरिक कमजोरी भी आपको यशोमय महसूस हो सकती है।
इसके बाद दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे दोस्तों स्वास्थ्य शाम तक उत्तम होगा, परंतु वर्तमान नकारात्मक वातावरण से अपना बचाव रखना आपके लिए अति आवश्यक होंगे। साथ ही दोस्तों यश में तनावपूर्ण स्थितियों से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि दोस्तों इनका असर आपके कार्य क्षमता पर भी और आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे दोस्तों गैस व फिर बदहजमी की वजह से सिरदर्द और वाम की स्थिति रह सकती है। दोस्तों सुपाच्य खान पान रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा क्रीम और भाग्यशाली अंक रहेगा 9।